हेलो गाइस वेलकम बैक और मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है केस बेस्ड लर्निंग अब केस बेस्ड लर्निंग जो है ये बेसिकली हमारी एक मशीन लर्निंग अप्रोच होती है जिसे हम केस बेस्ड रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं या फिर लेमन टाउस में जो है मशीन लर्निंग के टाउस में से हम सी बी आर अप्रोच के नाम से भी जानते हैं अब ये मशीन लर्निंग की वो अप्रोच है वो एल्गोइम है जो कि नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है बाय यूजिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम सिमिलर पास्ट प्रॉब्लम्स इसका मतलब यह है कि पास्ट में जो भी सिमिलर प्रॉब्लम्स रही होंगी उनके जो सॉल्यूशंस होंगे उन सॉल्यूशंस का यूज़ करके जो हमारी करंट नई प्रॉब्लम है उसका ये सॉल्यूशन जो है डिज़ाइन करती है एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक प्रॉब्लम है ए और वो प्रॉब्लम जो है मेरी पास्ट में हिस्ट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स रही होंगी जिसका सॉल्यूशन मेरे पास है और वो पास्ट की जो प्रॉब्लम्स है मेरी करंट न्यू प्रॉब्लम जिसका नाम ए है वो उससे रिलेट करती है उससे सिमिलर है तो सी बी आर अप्रोच मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा और सी बी आर अप्रोच क्या करेगी उन पास्ट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस की हेल्प से जो है एक नया सॉल्यूशन डेवलप करेगी सी बी आर या फिर केस बेस्ड लर्निंग जिसको मैं प्रनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पर बार बार ये जो है बेसिकली हमारा इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग का टाइप है और इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ट्रेनिंग इंस्टेंसेस जो होते हैं उन्हें हम केसेस के नाम से जानते हैं और ये टॉपिक ही केस बेस्ड लर्निंग है तो केस वर्ड जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और केस वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टेंसिस यानी कि वो डेटा पॉइंट्स वो इंस्टेंसिस वो एट्रीब्यूट्स जिनसे जो है हम हमारी एल्गोरिज्म को हमारी अप्रोच को ट्रेन करते हैं उन्हें हम केसेस बोलते हैं और इन केसेस को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन और वो कॉम्बिनेशन किस चीज़ का होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारा फीचर्स का यानी कि एट्रीब्यूट्स का यानी कि डेटा पॉइंट्स का और उनके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस का तो फीचर्स और कॉरस्पॉन्डिंग उनके जो सोल्यूशनस है इनके कॉम्बिनेशन को जो है हम केसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हमने डिस्कशन कर लिया केस बेस लर्निंग होती क्या है कौन सी अप्रोच है कौन सी मशीन लर्निंग का टाइप है अब बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशन की पहली एप्लीकेशन है इसकी पैटर्न रिकग्नेशन सेकेंड एप्लीकेशन है डायग्नोसिस जो कि हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है किसी भी डिजीज़ को सॉल्व करने के लिए किसी भी डिजीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए और थर्ड आता है इसके अंदर हमारा ट्रबल शूटिंग एंड प्लानिंग अब जितने भी आप इस वीडियोस को देख रहे हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स हो आप सभी लोग जो है कभी ना कभी अपने सिस्टम में कंप्यूटर्स में लैपटॉप में मोबाइल्स में या फिर वाईफाई नेटवर्क्स में जो भी आपके डिवाइस आते हैं उन सभी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा एक जनरल सोल्यूशन हम क्या करते हैं ट्रबल शूट करते हैं ट्रबल शूट करने का मीनिंग है जो हमारा प्रोसेस है उसको रीशूट करना है स्टार्टिंग से रीशूट करना है जितने भी उसके पॉसिबल वेज हैं कनेक्ट करने के सिस्टम्स के साथ पॉसिबल उसके डेटा पॉइंट्स है जो कि वर्क करते हैं साथ में उन सभी को जो है रीस्टार्ट करते हैं रीशूट करते हैं जिसको टेक्निकल टर्म में हम ट्रबल शूट बोलते हैं अब यहाँ पे सी कैसे यूज़ हो रहा है बिकॉज अगर मेरे पास करेंटली कोई प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ मेरे सिस्टम के अंदर और वो मेरी एप्लीकेशन मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ ट्रबल शूट ट्रबल शूट का मीनिंग है कि भाई अगर पास्ट में मेरी हिस्ट्री में उस सॉफ़्टवेयर में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन होगा जो मेरी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है या फिर इस मेरी प्रॉब्लम के सिमिलर है वो प्रॉब्लम तो हम क्या करेंगे सी बी का यूज़ करते हुए मेरी प्रीवियस जो एल्गोरिदम्स हैं प्रीवियस जो मेरे सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के उसका हम यूज़ करेंगे और इस प्रॉब्लम का भी जो है एक नया सोल्यूशन डेवलप कर देंगे अब सी बी के कुछ केसेस होते हैं कुछ प्रोसेस होते हैं अब ये एक सिंपल सा खेल नहीं है सिंपल सा एक गेम नहीं है कि आप सिंपली प्रीवियस हिस्ट्री में से सर्च करेंगे कौन सी मेरी प्रॉब्लम सिमिलर है यही बहुत बड़ा टास्क है कि आपको आपकी प्रॉब्लम के सिमिलर पैटर्न की प्रॉब्लम ढूंढनी है और फिर उसके सॉल्यूशंस को अडेप्ट भी करना है ऑप्टिमाइज भी करना है और री भी करना है तो इन सभी के लिए जो है टेक्निकल टर्म्स में हमारे चार प्रोसेस होते हैं चार फेजिज होते हैं जिसके अंदर पहला फेज आता है हमारा केस बेस्ड लर्निंग का रिट्री रिट्रीव के अंदर क्या होता है जो भी हमारी नई प्रॉब्लम है या फिर क्वेरी है वो क्या करती है सिमिलर केसेस को किससे केस बेस से जैसे हमारा डेटा बेस होता है इसी तरह यहाँ पे प्रॉब्लम्स का केस बेस होता है मशीन लर्निंग के अंदर जो कि क्या करता है प्रॉब्लम्स को स्टोर कर करके रखता है अब केस बेस में मेरी वो प्रॉब्लम मैं फाइंड आउट करूँगा जो मेरी नई प्रॉब्लम के सिमिलर होगी ये हो गया मेरा पहला स्टेप सेकेंड स्टेप री यूज़ का मीनिंग क्या है कि अब मुझे क्या करना है जो मेरी प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई है सिमिलर रिट्रीव केस के थ्रू अब उसका जो सोल्यूशन है उसको मैं अडेप्ट करूँगा और मॉडिफाई करूँगा उसके सोल्यूशन को मेरी करंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अब इसके बाद क्या होगा थर्ड केस आता है हमारा रिवाइज रिवाइज के अंदर क्या होगा अब जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने अडेप्ट किया है उसको मॉडिफाई किया है मैं उसकी क्वालिटी चेक करूंगा बिकॉज हम मशीन से ये काम करवा रहे हैं तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि हमारी मशीन 100 परसेंट एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी तो इसीलिए इस सी या फिर केस बेस्ड लर्निंग अप्रोच के अंदर जो हम क्वालिटी को भी एसेस करते हैं और फिर जो भी उसके अप्रोप्रिएट रिजल्ट होते हैं मोडिफिकेशनस होती है उसको हम मैनुअली इस एल्बोरिदम इस अप्रोच के अंदर पुट इन कर देते हैं जैसी हमारी क्वालिटी यानी कि एक्यूरेसी हमारी उस पुरानी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ मैच कर जाएगी देन हमें क्या करना है रिटेन करना है अब हम रिटेन किसको करेंगे जो हमारी नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको हम क्या कर देंगे अब स्टोर कर देंगे अब स्टोर कहाँ पे करेंगे अगेन जैसे केस बेस के अंदर से हमने पुरानी प्रॉब्लम की हिस्ट्री को उठाया था पुरानी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को उठाया था इसी तरह केस बेस के अंदर हमारा ये नया केस बन के स्टोर हो जाएगा डेटा के अंदर ताकि हम इस केस को जो है इन फ्यूचर अगर कोई सिमिलर प्रॉब्लम आती है तो हम इस केस बेस का यूज़ कर सके और हमारी प्रॉब्लम का आउटकम या फिर आउटपुट जनरेट कर सके अब इन चारों प्रोसेस को अगर आप डायग्रामेटिकली समझेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है कि ये आपका सेंटर में केस बेस है जैसे डेटा बेस होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है इसी तरह केस बेस केसेस को स्टोर करता है अब मैंने बता दिया आपको केसेस कॉम्बिनेशन होता है आपका एट्रीब्यूट्स का और उनके पॉसिबल आउटकम्स का तो इसी तरीके से इस केस बेस का यूज़ करते हुए हम इस फ्लो चार्ट का यूज़ करते हुए हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इस फ्लो चार्ट को जिसको मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है इसको हम टेक्निकल टर्म्स में प्रोनाउंस करते हैं केस बेस्ड रीजनिंग साइकिल या फिर सी बी आर साइकल और इसी के साथ जो है हमारी मशीन लर्निंग का थर्ड फेज थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया हमारी मशीन लर्निंग टेक्निक्स का और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है अब हम क्या करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे सो so, ट्यून्ड